I don't wanna see you. I don't wanna hear you tonight. I don't wanna fight you. हाई गाइज, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माई न्यू व्लॉग। आई होप यू गाइज फन। वैसे गुड मॉर्निंग हो नहीं रही है, सरे आम दोपहर के 4 बज रहे हैं और 4 बजे आज मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। बिकॉज आज ना सब मतलब घर पे थे, सैटरडे था, सबकी छुट्टी थी एंड पापा भाई हम सब जब बातचीत कर रहे थे, ऐसी नॉर्मली फैमिली के साथ तो बातचीत ही करते रहते ना, तो इसलिए टाइम नहीं मिला। इसलिए मैंने 4 बजे, अभी कोई नहीं है तो अब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। वैसे मेरे को ये मत समझना शर्म आती है, शर्म वरम कुछ नहीं आती, लेकिन क्या ना एक शांति चाहिए होती है वीडियो में। मेरे पे कोई माइक वगैरह है नहीं तो माइक मैं यूज करता नहीं, इसलिए मैं नॉर्मली कैमरे से व्लॉग करता हूँ या वीडियो शूट करता हूँ, तो इसलिए शांति चाहिए होती ना, इसलिए अब मैं कोई भी नहीं अब वीडियो शूट कर रहा हूँ। फिलहाल आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि मतलब कि बी फार्मा और बेसिक नर्सिंग का जो मतलब कि वो काउंसलिंग होगी ना वो कब स्टार्ट हो रही है एंड कब से मेल आने लगेंगे। और कई लोगों के मेल जो नहीं आए हैं, मतलब कि कोई भी कोर्स के मेल नहीं आए, तो यार तुम लोग टेंशन क्यों ले रहे हो, उस चीज के लिए मैं बैठा हूँ, मैं बता तो रहा हूँ ना तुम लोगों को। तो चलो बिना टाइम पास करे पहले मेन मुद्दे की बात कर लेता हूँ मैं, ताकि आप लोगों को मतलब कि स्किप ना करना पड़े। स्किप मत करा करो, क्योंकि फिर मेन चीजें छूट जाती है, फिर आप लोग कहते हो कि इंस्टाग्राम पे कि भैया तुमने पूरा नहीं बताया। भाई पूरा देखोगे तो मैं पूरा बता सकूंगा ना, तो पूरा देखो फिर समझना। तो सबसे पहले कल का व्लॉग आपको कैसे लगा वो भी आपको मेरे को बताना है। जन्माष्टमी का व्लॉग मतलब कि इतने सभी दुनिया एकदम एक्साइटेड हो रही थी, सेलिब्रेशन कर रही थी, तो आपको वो वाला ब्लॉग कैसा लगा बताना है। उसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, मेरा कॉपीराइट आ गया भाई, बट क्या ही करें, चलो कोई बात नहीं, एक दो तो आ ही जाते हैं। तो चलो फिर मैं बताता हूँ जो बेसिक नर्सिंग एंड बी फार्मा का जो काउंसलिंग कब स्टार्ट हो रही है। तो सबसे पहले बार नीट का रिजल्ट आया नहीं, जब तक वो नहीं आएगा तो कैसे आ जाएगा। मेन तो भाई उसके लिए नीट चाहिए, जब तक नीट नहीं आता तो काउंसलिंग का फॉर्म भी नहीं आता। और काउंसलिंग तब आती है ना, समझो थोड़े बहुत चांसेस हो जाते हैं आपके एडमिशन के कि हाँ कन्फर्म है, लेकिन एडमिशन कन्फर्म कब होता है, जब मेरी लिस्ट आ जाती है, उसमें आपका नाम आ जाता ना, तो नाम के बाद समझ लो एडमिशन हो गया। इंटरव्यू आपको थोड़ा सा संभालना होता है, उसके बाद कन्फर्म, तो समझ रहे हो। तो टेंशन मत लेना, अभी जिसका बी फार्मर बेसिक नर्सिंग का मतलब कि काउंसलिंग का मेल नहीं आया तो टेंशन ना लो, जब तक नीट का रिजल्ट नहीं आ जाता तो कोई नहीं आएगा, लेकिन जैसे नीट का रिजल्ट आएगा ना तो काउंसलिंग के लिए शायद जल्दी ही आ जाए, तो टेंशन मत लेना। बाकी कोर्स का जो मेल नहीं आया तो टेंशन मत लो, धीरे धीरे करके आता है, एक साथ नहीं आ जाता सबको, तो समझ रहे हो। और परसेंटेज जिसकी सही है उसको मेल आएगा, ऐसे नहीं कि भाई तुम्हारी 60 है 59 है तो तुम्हारा मेल आ जाएगा, ऐसा थोड़ी ना होता। आपको तो पता ही नंबर वन कॉलेज है तो नंबर वन मार्क्स भी चाहिए उसके लिए, और एंट्रेंस के भी मार्क्स ही बढ़िया होने चाहिए। तो ये तो मेन बात है, तो आप लोगों को समझनी चाहिए। और सबसे पहली बात ना, घबराया करो मत कि आप सोचते हो कि मेल की वीडियो देख ली कि भाई सबका मेल आ रहा है मेरा क्यों नहीं मेल आया। तो मेल जो है ना वो टाइम से आएगा, टाइम वाइज आएगा, ऐसे थोड़ी ना भाई सबको बस भेज दिया। जिसका कोर्स है उसके रिलेटेड मतलब कि काउंसलिंग का फॉर्म आएगा ना। बीबीए का देखो, अभी सीयूटी का रिजल्ट भी नहीं आया तो ऐसे कैसे आ जाएगा। तो बीबीए का भी आएगा, बाकी का भी आएगा। बीबीए का मैं आपको पूरा एकदम कुछ अलग है, तो वो मैं आपको एक अलग वीडियो में बताने वाला हूँ, बीबीए बीसीए जो भी है। तो यही है मेन चीज की बेसिक नर्सिंग और बी फार्मा का काउंसलिंग का फॉर्म कब आएगा, वो आ जाएगा आपके मेल पे ही आएगा। और जिसका मेल छूट जाता है कि उसका ध्यान नहीं जाता, तो सबसे पहले बार नोटिफिकेशन और कर लो पहले से ही कि भाई अगर तुम्हारा ऑफ है ना नोटिफिकेशन तो भाई तुम्हारा फॉर्म रह जाएगा, तो इससे अच्छा है कि ऑन कर लो। फिर भी ना आप बार बार मेल चेक करते रहिएगा, यही नहीं कि जब रिजल्ट आएगा तभी चेक करोगे, नहीं नहीं पहले चेक करते रहने का, स्क्रॉल करते रहे करो, चेक हो जाएगा, आपको मेल आ जाएगा, दिख ही जाएगा। एंड कोशिश करना मेल छूटे ना, क्योंकि अगर छूट गया तो फिर आपको मेरी लिस्ट का ही वेट करना पड़ेगा, और मेरी लिस्ट में नाम आ सकता है नहीं आ सकता उसके चांसेस बहुत कम है, तो इससे अच्छा काउंसलिंग का फॉर्म पहले ही भर देना। फिलहाल एक तो गर्मी इतनी हो रही है ना भाई, पसीनों से बुरा हाल हो चुका है, देख रहे हो, फैन वैन सब ऑफ करके बैठना पड़ता है, और ऊपर से ही विंडो वगैरह ऑफ कर देते ना तो हवा तो बिल्कुल ही नहीं आती। तो बार बार ना मैं इससे ऐसे करे जा रहा हूँ, देखो भाई अलग है। फिलहाल चलो आपको सारी चीज समझ में आई ना कि क्या हो सकता है, कैसे होगा, क्यों होना चाहिए और कब होगा, कि काउंसलिंग कब स्टार्ट होगी। जब तक नीट का रिजल्ट नहीं आ जाता काउंसलिंग स्टार्ट नहीं होगी, और काउंसलिंग छोड़ना मत, मेल जरूर चेक करते रहना भाई, प्लीज मेरे रिक्वेस्ट है, क्योंकि मैं आपके फायदे के लिए बोल रहा हूँ, मेल जरूर चेक करते रहना। और एक मेन चीज, जो आपने एडमिशन का फॉर्म भरा है उसमें करेक्शन विंडो कब ओपन होगी, देखो अभी कुछ ओपन नहीं है, उसकी मैं एक अलग सी वीडियो बनाऊंगा और कब ओपन होगी तो वो भी मैं आपको पूरा समझा दूंगा, ठीक है ना। फिलहाल गाइस अभी इस वीडियो को एंड करते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी आज मैंने बोला, मैंने ज्यादा टाइम पास नहीं करा, वैसे मैं करता ही नहीं, सीधा मेन मुद्दे पे आता हूँ। सो आई होप गाइस ये वाला वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगे ना। और पहली बार ना, अगर आपको ये और मतलब कि कोर्स से रिलेटेड या और कुछ जानना है तो वो आप कमेंट सेक्शन में बताना, मैं उसके ऊपर ही वीडियो बना दूंगा। सो आई होप गाइस ये वाला ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, ब्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करना, एंड जब चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब भी करके जाए करो। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में, यहाँ तक ब्लॉग देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टाटा टेक केयर एंड ख्याल रखा करें अपना। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय। तो चलो बिना, oh, if I feel right, I don't wanna just forget.